आपके क्लिनिक में पेशेंट आता है और मैं आपको कहूँ कि आप उसे इलाज करने से मना कर दीजिए, तो आप भी सोचेंगे कि एक तो क्लिनिक में पेशेंट आ रहा है, डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि आप उसका इलाज मत कीजिए। तो जी हाँ, आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि ऐसे कौन से पेशेंट है कि आपको वाइजली चूज़ करना है कि आप किसका इलाज करें और किसका नहीं करें। मेरा नाम है डॉक्टर शबिस्ता जबी, आप देख रहे हैं क्लिनिकल डेंटिस्ट्री हब। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि कोई भी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। तो जनरली होता क्या है, आपने भी देखा होगा कि पेशेंट आते हैं एंड दे विल से कि आप मेरा ऐसा इलाज कर दीजिए। आप उनको खुश करने के लिए वो ट्रीटमेंट कर भी देते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद पेशेंट वही रिटर्न वापस आके बोलेगा कि आप प्लीज़ इसको ऐसा कर दीजिए। तो ये डिससेटिस्फाइंग फेस जो होता है पेशेंट का, ये बहुत ही डिस्ट्रक्टिव होता है डॉक्टर्स के लिए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जनरली अगर आप पेशेंट के हिसाब से ट्रीटमेंट करेंगे तो आप उनको कभी भी खुश नहीं रख पाएंगे। वो आते दूसरे तीसरे दिन आपसे आके उस इलाज को वापस करने को ज़रूरी से कहेंगे। जैसे कि आपने देखा ही होगा कि कई लोग आते हैं, वो बोलते हैं कि हमें इन एक्ट्रेस के जैसे स्माइल चाहिए। आप उन्हें बोल तो देते हैं कि हाँ हो जाएगा, हम कर देंगे, लेकिन जब आप उन्हें ट्रीटमेंट कर देते हैं, वो एक दो दिन बाद वापस आके बोलते हैं कि ये थोड़ा सा ऐसे है क्या, ये थोड़ा सा और अच्छा हो सकता है, इसको प्लीज़ कर दीजिए। आप फिर से अटेम्प्ट करेंगे, वो चौथे दिन वापस आके आपको बोलेंगे कि इसको थोड़ा सा ऐसा कर दीजिए ताकि ये और अच्छा दिखे। तो एक चीज़ आपको समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अगर कंपेयर करके चलेंगे तो अगर आपको कोई भी आके बोल रहा है कि हमको ऐसी जैसी स्माइल चाहिए, तो बिल्कुल मना कर दीजिए कि हम ऐसा नहीं कर सकते, हम अपने क्लिनिक के हिसाब से ही कर सकते हैं। क्योंकि जिस लैब से उनका डिज़ाइनिंग होके आई है, जो डॉक्टर वहाँ रहे हैं, उनका हार्ट डिफरेंट है, उन्होंने जो लैब में सामान यूज़ करा है वो चीज़ अलग है, जो हम अपने क्लिनिक में यूज़ करेंगे वो अलग है। तो एग्जैक्टली सेम हूबहू वैसा ही इलाज प्रोवाइड करना वो पॉसिबल नहीं हो पाता। अब कई लोग क्या करते हैं कि उनको लगता है कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ पेशेंट के क्लिनिक में आ रहे हैं, उनको बोलते हैं कि यस बिल्कुल हो जाएगा, और ट्राई भी करते हैं करने का, लेकिन वैसा इलाज नहीं कर पाते। तो पेशेंट लौट के दोबारा आता है, तो वो बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइंग होता है पेशेंट के लिए भी, और आपके ऊपर भी एक बर्डन आ जाता है कि आप प्रॉपर वो ट्रीटमेंट उनको नहीं दे पाए। तो ऐसी कंडीशन में आपको ये सीखना है कि आप कैसे उस समय पेशेंट को ना बोल दें। ना इसलिए नहीं कि आप डायरेक्टली ये मत बोलिए कि हम आपको ये ट्रीटमेंट प्रोवाइड नहीं कर सकते। बेसिकली यू नीड टू कन्विंस द पेशेंट कि ये इलाज दूसरा है और जो हम अपने तरीके से करेंगे वो दूसरा है। जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग लैब है वो कौन सा मटेरियल यूज़ कर रही है, किस हिसाब से यूज़ कर रही है, कैसा क्वालिटी का यूज़ कर रही है, वो अलग है। ज़रूरी नहीं है हर लैब में सेम अमाउंट ऑफ वर्क सेम तरीके से किया जाए। तो ये सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपको उस टाइम पे वाइजली चूज़ करना है और कैसे नो बोलना है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर पेशेंट है, वो पेइंग है, वो पे कर सकता है, तो वो कुछ भी ट्रीटमेंट बोले जस्ट फॉर द सेक कि वो पैसा दे सकता है इलाज का, आप उसका कुछ भी इलाज कर देंगे उसके कहने पर। नहीं, आपको पहले सबसे पहले पेशेंट को मेंटली काउंसिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत से लोग आते हैं, बोलते हैं कि डॉक्टर साहब हमें ब्लीचिंग की ज़रूरत है, लेकिन अगर उस पेशेंट में ब्लीचिंग की ज़रूरत है ही नहीं, तो ये किसकी ड्यूटी है कि पेशेंट को बताएं कि आपको उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इससे बेटर है कि आप स्केलिंग कंप्लीट ओरल प्रोफाइल एक्सेस करा लीजिए, ये आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। ये किसकी ड्यूटी है? ये हम डेंटल सर्जन्स की ड्यूटी है कि हम पेशेंट को इलाज करने से पहले काउंसलिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बहुत से लोग हैं कि हाल फिलहाल में देखने मिलता है कि काउंसिल नहीं करेंगे वो अननेसेसरी पैसा अर्न करने के लिए, कि जस्ट बिकॉज पेशेंट क्लिनिक में आ रहा है और हमें पैसा अर्न करना है। ऑब्वियसली आप एक क्लिनिक में बैठे हैं तो ऑब्वियसली आपको फाइनेंशियली ग्रो करना ही है, बट ऑन द बेसिस ऑफ रॉन्ग डिसीजन आप वो नहीं कर सकते। कोई भी रॉन्ग डिसीजन लेके आप फाइनेंशियली ग्रो नहीं कर सकते, क्योंकि मेडिसिन, ये डेंटिस्ट्री, ये एक ऐसी फील्ड है जहाँ पर एक रॉन्ग डिसीजन आपको बहुत ज़्यादा भारी पड़ सकता है। मान लीजिए आपने ब्लीचिंग कर दी पेशेंट की, आपने यू अर्न अ हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी, व्हाट नेक्स्ट? आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये रहेगा कि उस पेशेंट को ज़रूरत नहीं थी, जस्ट बिकॉज पेशेंट ने बोला ब्लीचिंग कर दो और पेशेंट के पास इतना पैसा था कि वो ब्लीचिंग अफोर्ड कर सके, आपने उसका ट्रीटमेंट कर दिया। भाई हमारे लिए तो ये बिल्कुल भी ज़्यादा सेटिस्फाइंग नहीं होता कि हम ये गलत तरीके से करके। आपको सबसे पहले समझाना ज़रूरी है कि क्या पेशेंट को ज़रूरी है उस इलाज की। अब बहुत से लोग आते हैं, बोलते हैं कि हमारा एक दांत थोड़ा सा ऊपर है, इसने ब्रेसेस लगा के इसको पीछे कर दीजिए। अब किसको नहीं ब्रेसेस से
कौन नहीं चाहेगा अर्न करना कि उनके क्लिनिक में अगर पैसा आ रहा है वो अर्न करे, लेकिन वो सही तरीके से अर्न किया जाए वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ब्रेसेस की ज़रूरत नहीं है तो मत कीजिए। बहुत से लोग होते हैं वो एडवाइस करते हैं आप ब्रेसेस मत कीजिए, आप इसमें RCT करा के कैप लगा के एक स्ट्रेट स्माइल पा लीजिए, तो ये तरीका भी गलत है। अनटिल अनलेस पेशेंट आपसे कहता है कि नहीं डॉक्टर साहब हमें ब्रेसेस जैसे लंबे ट्रीटमेंट से नहीं गुजरना, हमारी शादी है या ऐसा कुछ प्रोग्राम हो रहा है, उस केसेस में आप RCT करके उनको कैप लगा के भेज दे रहे हैं वो सही है, लेकिन इतना आपको दिख रहा है कि उनको ब्रेसेस लगा के दांत पीछे नहीं होंगे, आपको स्केलेटल डिस्क्रिपेंसीज मतलब अगर हड्डी ही पूरी बाहर है मुंह की उसको अंदर करके ठीक किया जाएगा, तो ये सब बताने की जिम्मेदारी आपकी ही है। आपको समय रहते ही पेशेंट को ये सारी जानकारी देनी है, क्योंकि एक स्माइल ऐसी चीज़ है जिससे बहुत से लोग डिससेटिस्फाइंग भी रहते हैं कि हमारी स्माइल अच्छी नहीं है तो हम पब्लिकली स्माइल नहीं करते, कई लोग ये कंप्लेन लेके आते हैं। उस बेसिस पे अगर आप उनका ट्रीटमेंट कर रहे हो और उनको वो सही रिजल्ट ना मिले तो इस ये चीज़ उनको दुखी भी कर सकती है, तो उस पॉइंट पे सोचना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसका मतलब ये अगर पेशेंट पेइंग है तो मतलब ये नहीं है कि आप उसका मनचाहा कोई भी इलाज कर देंगे, सबसे पहला फैक्टर ये है। और इन सब चीज़ों से आप कौन सी ऐसी 3 चीज़ें हैं जो अपने जीवन में अवॉइड कर सकते हैं। पहली चीज़ है कि रात में जब आप सोएंगे तो ऑब्वियसली आपको नींद अच्छी आएगी। अब ऐसे बहुत से लोग हैं कि पैसा बहुत है लेकिन बोल रहे हैं कि रात में नींद नहीं आती डॉक्टर साहब, तो आप खुद सोचिए कि इतना पैसा करके फ़ायदा क्या है अगर आपको रात में नींद ही ना आए। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि सुकून भरी लाइफ, पीस होना लाइफ में ज़रूरी है। कि अगर कोई भी आपने गलत इलाज करेगा आप रात भर सोचेंगे कि उस पेशेंट का मैंने ऐसा इलाज कर दिया, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही हो, आप भी परेशान रहेंगे इस चीज़ का रात भर सोच के और सो नहीं पाएंगे। तो अगर आपको पीसफुल नाइट चाहिए तो उसके लिए आपको करेक्ट ट्रीटमेंट और करेक्ट डिसीजन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ पे आपको लगता है कि आप ये इलाज नहीं कर सकते उनको हायर सेंटर रेफ़र कर दीजिए। उसमें उस्ताद बनने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं हम ये कर सकते हैं, हम ये इलाज भी कर देंगे, नहीं आता तो हायर सेंटर रेफ़र कर दीजिए, कम से कम रात आपकी नाइट पीसफुल होगी। सेकेंड, रिस्पेक्ट बना रहेगा एक पेशेंट डॉक्टर के बीच, जो एक रिस्पेक्ट होती है वो बनी रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो कैसा बनेगा, अगर आप पेशेंट को करेक्ट इन्फॉर्मेशन पास करेंगे तो पेशेंट आपकी रिस्पेक्ट हमेशा करेगा, लेकिन जहाँ पे आपने पेशेंट को रॉन्ग इन्फॉर्मेशन पास की और उसने किसी और डेंटल सर्जन को कंसल्ट किया और पता लगा कि वो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन थी, तो पेशेंट बोलेगा कि वो जो रेफरल देगा वो यही देगा कि वो सर तो गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं कि वहाँ मत जाइए कि मेरा केस ख़राब कर दिया था, क्या हुआ इससे आपका ही नुकसान हुआ। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि आपको कब पेशेंट को ना बोलना है और कब किसी ट्रीटमेंट के लिए हाँ बोलना है। अब इस ये नहीं है कि अगर आपके पास दिन भर में एक भी पेशेंट नहीं है तो पेशेंट पकड़ने के लिए आप कुछ भी उनके हाँ में हाँ मिला के कि अरे आपने ये नहीं कराया आप ये भी करा लीजिए, आप सही टाइम पे आ गए नहीं तो आपके सारे दांत खराब हो जाते, हमें सब निकालने पड़ते, ऐसा करके आप पेशेंट को डरा के इलाज कर रहे हैं, ये चीज़ भी गलत है। क्योंकि बहुत से पेशेंट आते हैं बोलते हैं डॉक्टर साहब ने बोला था कि अगर आप इसका भी इलाज नहीं कराएंगे तो ये निकाल के यहाँ पर ऐसा ऐसा करना पड़ेगा, तो ये कंसिक्वेंसेस बाद में आप ही को फेस करने पड़ेंगे। क्योंकि पेशेंट जब दूसरे डॉक्टर पे, ऑब्वियसली एक पेशेंट दूसरे डॉक्टर पे जाता ही है आजकल, तो जब वो जाएगा तो उसे पता लगेगा कि कैसी कैसी कंडीशंस थी और क्या क्या उसको समझाया गया डॉक्टर के थ्रू और कैसे उसने ये इलाज कराया। तो सही समय पे ना बोलना सीखिए, पेशेंट को नो बोलना सीखिए अपनी OPD बढ़ाने के लिए, कि आपने हाँ बोल दिया कि आपको वो इलाज नहीं भी आता है फिर भी आप करने बैठे, उससे किसका, आप पेशेंट का भी नुकसान कर रहे हो और अपनी प्रैक्टिस भी ख़राब कर रहे हैं। तो आज का वीडियो बस यहीं तक है, अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में Instagram ID है आप वहाँ पर मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। आई एम साइनिंग इट ऑफ, टेक केयर, बाय बाय।